सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वॉचिंग जेरार्ड गोम्स। सो आज मैं आ गया हूँ टाटा लेक्सस मोटर्स इन राजारहाट न्यू टाउन टू रिव्यू दिस कार। नाउ दिस कार इज दी ऑल न्यू टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन एंड ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन एग्जेट प्लस मॉडल है। सो आज जो मैं करूँगा गाइज इस गाड़ी का, मैं अभी पूरा आपको एक वॉक अराउंड दे दूंगा इसके एक्सटीरियर इंटीरियर और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको काजीरंगा एडिशन में मिल जाता है वो मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये जो शोरूम है गाइज, इस शोरूम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो इफ यू आर इन कोलकाता एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट दिस कार देन यू कैन कम टू दिस शोरूम एंड यू कैन चेक आउट दिस कार एंड अगर आपको पसंद आया यू कैन इवन बुक इट। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आई वॉन्ट टू शो यू द की। दिस इज द की ऑफ द टाटा हैरियर। यहाँ पर यू गेट द टाटा लोगो। यहाँ पर आपको चार बटन्स मिल जाता है। दिस इज टू लॉक योर कार, दिस इज फॉर योर फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, दिस इज टू ओपन द बूट एंड दिस इज द बटन टू अनलॉक द कार। एक जो चीज़ है गाइज, इफ आई अनलॉक दिस कार, आपका जो विंग मिरर्स है दे ओपन और इफ आई लॉक दिस कार देन ये बीप करता है और आपका ये मिरर क्लोज हो जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी इसके एक्सटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन ऑब्वियसली द हैरियर इज़ वन ऑफ अ काइंड इन लुक्स। सो सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका सामने का जो ग्रिल है दिस इज पार्टली इन ग्लॉस ब्लैक। यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स मिलता है बट द अदर पार्ट ऑफ द ग्रिल इज इन मैट ब्लैक। सो दिस इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर आपको DRL मिल जाता है अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड इन टू द DRL। नीचे आप देख सकते हो यू गेट दिस ट्राइकोन डिजाइन ऑन द हेडलैम्प्स। आपका जो लो बीम है दैट इज इन प्रोजेक्टर और आपका जो हाई बीम है दैट इज इन हैलोजन। सो प्रोजेक्टर में आपका D2S बल्ब आता है विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। आपका जो फॉग लैम्प है दैट इज ऑल्सो इन हैलोजन फिनिश। सो बम्पर अगर हम लोग देखेंगे देन लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर दिस इज फिनिश्ड इन मैट ब्लैक और यहाँ पर आपका जो दिस पार्ट ऑफ द बम्पर ये थोड़ा प्रोट्रूड होता है। सो दैट्स गुड। ये जो कलर है दिस इज आपका ग्रास लैंड बेज और ऊपर आपको ये डुअल टोन फिनिश में है, ऊपर आपको ये ब्लैक रूफ मिल जाता है। सो दिस इज अ वेरी यूनिक कलर टू द काजीरंगा एडिशन। सब काजीरंगा एडिशन में आपको ये कलर स्कीम मिल जाता है। बॉनेट अगर हम लोग देखेंगे गाइज, द बॉनेट इज रियली यूज ऑन द हैरियर और यहाँ पर आपको ये क्रीजेस मिल जाता है। यू गेट दिस एरो शेप, मतलब नाइफ शेप क्रीज आपको यहाँ पर मिल जाता है दोनों साइड पे। सो दैट्स गुड। साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइज, यू गेट दिस स्मॉल व्हील क्लैडिंग ओवर हियर विच सराउंड्स द कार, पीछे तक जाता है। द व्हील्स आर रियली सेक्सी गाइज। यहाँ पर आपको प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है और इसका जो प्रोफाइल है दैट इज 235/65/R17। सो यू गेट 17-inch टायर्स ऑन द हैरियर। ऑब्वियसली फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है। यहाँ पर आप सस्पेंशन ट्रैवल देख सकते हो, गुड फॉर इंडियन रोड्स। अनदर वे यू कैन ट्रैक अ काजीरंगा एडिशन कार इज बाय दिस। यहाँ पर आपको ये राइनो का लोगो मिल जाता है विच इज रियली गुड, लुक्स गुड। यहाँ पर अगर हम लोग विंग मिरर्स देखेंगे, विंग मिरर्स में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिलता है एंड दिस इज इन ग्लॉस ब्लैक फिनिश। डोर हैंडल्स अगर हम लोग देखेंगे, डोर हैंडल्स में यू गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर एंड ये आपका पार्शियली ये जो पार्ट है दिस इज इन ग्लॉस ब्लैक फिनिश। बी पिलर जो है दिस इज टोटली इन ग्लॉस ब्लैक एंड ये एकदम पीछे तक जाता है गाइस। यहाँ पर भी आपका हैरियर का बैजिंग मिल जाता है एंड दिस इज इन टोटल ग्लॉस ब्लैक फिनिश। सो दिस गिव्स इट अ फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। द हैरियर लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द बैक। सो रियली गुड लुक। यहाँ पर अगर हम लोग टेल लैम्प्स देखेंगे, टेल लैम्प्स में भी आपको यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाता है। आपका जो रियर टेल लैम्प है दैट इज LED, पार्किंग लाइट भी LED है और आपका ब्रेक लाइट भी LED है। टर्न इंडिकेटर्स और आपका जो रिवर्स लाइट है दैट इज इन हैलोजन फिनिश। यहाँ पर आपको ये ब्लैक फिनिश में, मतलब मैट ब्लैक फिनिश में आपका हैरियर का बैजिंग मिल जाता है। यू गेट अ रिवर्स पार्किंग कैमरा ओवर हियर, टाटा का बैजिंग। रियर साइड में यू गेट डिफॉगर, रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड इवन अ वॉशर। ऊपर यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक में शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। नीचे यू गेट टू पार्किंग सेंसर्स, वन इज ओवर हियर एंड वन इज ओवर हियर एंड नीचे आपको ये, मतलब ये डिफ्यूजर टाइप ट्रीटमेंट आपको नीचे मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो हाउ वाइड द व्हील्स आर, सो दैट्स गुड। नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है और ये आपका थोड़ा एग्जॉस्ट टाइप डिज़ाइन है बट एग्जॉस्ट ऑब्वियसली नीचे है। और नीचे आप देख सकते हो वहाँ पर आपको स्टेपनी टायर मिल जाता है नीचे। अभी आप लोग बूट ओपन करेंगे गाइस, सो बूट लेट मी चेक आउट द बूट। सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है। सो या द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज यहाँ पर आपको कोई लोडिंग लिप नहीं मिलता है। सो एकदम आप चीज़ें उठा के आपको रखना नहीं पड़ेगा, यू कैन जस्ट पुश इट। यहाँ पर आपको एक सबवूफर मिलता है फ्रॉम JBL। सो म्यूजिक सिस्टम इज रियली गुड ऑन दिस कार। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यू गेट कंपार्टमेंट्स ओवर हियर, सो नीचे भी आप स्टोरेज है आपको, आप यू कैन कीप योर थिंग्स ओवर हियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो यू गेट अ टायर रिपेयर किट अलॉन्ग विद द जैक हैंडल ओवर हियर। सो ओवरऑल स्पेस इज रियली गुड, स्पेस के बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। टू बिग बैग्स कैन एब्सोल्युटली फिट कंफर्टेबली ओवर हियर एंड यू कैन पुट स्मॉल बैग्स ऑन टॉप ऑफ द बिग बैग्स विद नो प्रॉब्लम।
यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यू गेट अ लाइट ओवर हियर एंड 60-40 आपको सीट पे स्प्लिट मिल जाता है। सो गाइज नाउ लेट मी गो टू द रियर सीट एंड आई विल शो यू हाउ मच स्पेस यू गेट एट द रियर सीट। सो इफ आई ओपन द रियर डोर गाइज देन ओवरऑल क्वालिटी लेवल इज गुड, हार्ड प्लास्टिक मिलेगा बट इट डजेंट सीम चीप। यहाँ पर आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलता है जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ दिस कार। सो दिस पार्ट ऑफ द डोर यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है एंड दिस इज इन बेज सो लुक्स रियली गुड। यहाँ पर ये परफोरेटेड फिनिश आपको मिलता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिलता है। डोर हैंडल्स जो है दिस इज इन क्रोम। यहाँ पर यू गेट टू स्लॉट्स, यहाँ पर आप फोन रख सकते हो अपना। और यहाँ पर आपको डुअल स्लॉट्स मिलता है फॉर योर कप होल्डर्स। यहाँ पर छोटा बॉटल कुछ आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पर आप 1 लीटर का बॉटल रख सकते हो। यहाँ पर यू गेट अ स्पीकर प्लेसमेंट, यू गेट JBL, यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है। रियर सीट्स के बारे में बात करूँ गाइस, देन द रियर सीट्स आर ऑल्सो इन डुअल टोन फिनिश जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ दिस कार। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है एंड दिस इज इन लेदर एट फिनिश, सो वेरी वेरी प्रीमियम फीलिंग। और परफोरेटेड फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर रिगार्डिंग द रियर सीट्स। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिल जाता है। सो अभी रियर सीट में बैठते हैं गाइस और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। सो गेटिंग इनसाइड द कार इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इसका राइड हाइट ज़्यादा होने के कारण यू कैन ईजिली गेट इनसाइड द कार। एक चीज़ जो है इज दिस, सो यू हर्ड द थर्ड ऑफ दिस कार, सो रियली गुड बिल्ड क्वालिटी फ्रॉम टाटा। सो गाइज दिस इज द रियर सीट। अभी जो फ्रंट सीट्स है एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजिशन, माई हाइट इज 5'11" एज यू ऑल नो। यहाँ पर यू गेट अ पॉकेट्स ऑन द रियर सीट्स टू स्टोर थिंग्स। और एक जो चीज़ है गाइज, यू कैन रेस्ट योर फीट बिलो द ड्राइवर सीट एंड ऑल्सो बिलो द को पैसेंजर सीट, सो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गेट टू चार्जिंग सॉकेट्स ओवर हियर एंड यू गेट सम स्पेस टू कीप योर फोन और योर वॉलेट ओवर हियर। पीछे आपको कोई रियर एसी वेंट नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट रियर एसी वेंट्स एट द रियर। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद टू कप होल्डर्स, सो दैट्स गुड। और ओवरऑल विद ऑफ द सीट्स आर गुड, 3 पीपल कैन सिट कंफर्टेबली। लॉन्ग जर्नीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट फॉर सिटी राइड्स नॉट अ कंप्लेंट एट ऑल। और 2 पीपल तो एब्सोल्युटली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ऊपर एज यू कैन सी यू गेट दिस पैनोरामिक सनरूफ, इसका फंक्शन मैं दिखा दूंगा जब मैं सामने जाऊंगा। यू गेट ग्रैब हैंडल्स ओवर हियर 1, 2 और 3, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाता है। सो या यू गेट LED फिनिश ऑन द लाइट, सो यू गेट लाइट्स ओवर हियर एंड ऑल्सो ओवर देयर रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाता है। यू गेट एयरबैग ओवर हियर, सो ओवरऑल यू गेट 6 एयरबैग्स ऑन दिस कार। यहाँ पर कर्टन एयरबैग्स है, सो सेफ्टी के मामले में टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ा है इस गाड़ी में। यहाँ पर सामने का लुक आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार। सो अभी मैं सामने जाऊंगा गाइस और मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या फीचर्स आपको सामने मिल जाता है। सो इफ आई ओपन द फ्रंट डोर गाइस, देन एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाता है ऑन द डोर्स। सो यहाँ पर आपको बेज फिनिश मिलता है और यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश मिलता है। डोर हैंडल्स जो है दिस इज फिनिश्ड इन क्रोम। यहाँ पर भी वो परफोरेटेड फिनिश आपको मिलता है ऑन द ग्रैब हैंडल्स ऑन द डोर्स। और यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है। यू गेट द पावर विंडो स्विचेज ओवर हियर, यहाँ पर आपको विंडो लॉक का स्विच मिल जाता है। यू गेट बॉटल होल्डर ओवर हियर एंड ऑल्सो ओवर हियर स्पीकर का प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपको ORVM जो है उसका कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सीट्स गाइस। सो द फ्रंट सीट्स का जो डिज़ाइन है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द रियर सीट। सो यहाँ पर आपको ये डुअल टोन फिनिश मिल जाता है इन बेज एंड इन ब्लैक। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी एन ईस्टर एग, यहाँ पर ये राइनो का लोगो है, सो दैट लुक्स रियली रियली गुड। और ये आपका लेदरेट फिनिश है विथ स्टिचिंग ओवर हियर, सो ओवरऑल क्वालिटी इज रियली गुड। यहाँ पर ज़्यादा आपको साइड बोलस्टरिंग नहीं मिलता है, सो अगर आप इस गाड़ी का कॉर्नर करेंगे सो ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा सीट्स में, बट ओवरऑल द सीट कुशनिंग इज गुड, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिल जाता है फ्रंट 2 सीट्स में, सो दैट्स गुड। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है, सो दैट्स अ रियली रियली गुड। सो ये आपका 6-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पर एज यू कैन सी यू एसी वेंट जो है उसके बाहर आपको ये थोड़ा गोल्डन क्रोम में आपको ये इंसर्ट्स मिल जाता है, सो दैट गिव्स इट अ रियली प्रीमियम फील। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पर। सो नाउ लेट मी सिट इनसाइड गाइज एंड आई विल शो यू व्हाट फीचर्स यू गेट ऑन द टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन। नाउ गाड़ी में आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मतलब इग्निशन में डाल के। सो यहाँ पर तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, सो यू जस्ट प्रेस दिस बटन ओवर हियर। और एक बार इसको प्रेस करेंगे सो आपको यहाँ पर एनिमेशन एज यू कैन सी ओवर हियर, यू गेट दिस एनिमेशन ओवर हियर। फुल स्वाइप होता है और टाटा का एनिमेशन यहाँ पर आ जाता है एंड यू गेट दिस
पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आप लोगों के साथ। सो इफ आई टॉक अबाउट द इंटीरियर गाइस, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड, बट यू गेट सॉफ्ट टच मटेरियल ओवर हियर एंड दिस इज अ रियली रियली प्रीमियम फीलिंग डैशबोर्ड। ये आपका ब्लैक फिनिश में है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये काजीरंगा एडिशन है, सो यू गेट दिस वुडन फिनिश ओवर हियर एंड ये कोई चीप वुडन फिनिश नहीं है गाइस, दिस इज रियली रियली प्रीमियम फीलिंग फिनिश ओवर हियर। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स अगर चेक करेंगे गाइस, देन द ग्लव बॉक्स इज ह्यूज एज यू कैन सी, एंड यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट्स मिल जाता है एंड थोड़ा यहाँ पर स्लॉट भी आपको मिल जाता है, पेन होल्डर है यहाँ पर, एंड आपको इस गाड़ी में कूलिंग फंक्शन भी आपको मिल जाता है इस ग्लव बॉक्स में। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। बीच के सेंटर कंसोल के बारे में अगर बात करूँ गाइज, यू गेट दिस 8.8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम ओवर हियर और यहाँ पर आपको मास्टर कंट्रोल्स का बटन मिल जाता है। दिस इज फॉर योर नेविगेटिंग योर सिस्टम, सो इसको आप स्क्रोल करेंगे सो आपका यहाँ पर नेविगेशन होता है, और दिस इज फॉर योर वॉल्यूम कंट्रोल, सो इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ यू प्रेस दिस देन ये आपका म्यूट हो जाता है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यू गेट दिस पियानो ब्लैक इंसर्ट्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड, डुअल एसी वेंट्स, यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ बटन्स, दिस इज योर हैजर्ड लाइट बटन, यह आपका फ्रंट फॉग लाइट का बटन है, यह आपका रियर फॉग लाइट का बटन है, दिस इज फॉर योर इको मोड और ये आपका स्पोर्ट्स मोड का बटन है। दीज आर योर एसी कंट्रोल्स ओवर हियर, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, इससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो एज यू कैन सी, और यहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल मिल जाता है, दिस इज टू डिक्रीज योर ब्लोअर स्पीड, दिस इज टू इंक्रीज योर ब्लोअर स्पीड, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एसी ऑफ करने का स्विच, दिस इज टू टर्न ऑन योर एसी, ये आपका एयर सर्कुलेशन का स्विच है, दिस इज फॉर योर रियर डिफॉगर, दिस इज फॉर योर फ्रंट डिफॉगर, और यहाँ पर आपको एयर सर्कुलेशन का स्विचेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस, यू गेट दिस, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर पूरा सराउंड करता है फ्रंट डैशबोर्ड को। नीचे यू गेट अ यूएसबी चार्जिंग सॉकेट ओवर हियर एंड यहाँ पर आपको ऑक्स इनपुट मिल जाता है, यू गेट अ वायरलेस चार्जिंग पैड ओवर हियर, यहाँ पर आपको डिफरेंट टेरेन मोड्स मिल जाता है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पर यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल बटन एंड ओवर हियर यू गेट हिल डिसेंट कंट्रोल, यू गेट अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन दिस वेरिएंट, और अनदर गुड थिंग इज दैट यू गेट दिस क्रोम, दिस गोल्डन क्रोम सराउंड्स ओवर हियर, सो दिस गिव्स इट अ रियली प्रीमियम टच। यहाँ पर आपको ये कॉकपिट स्टाइल आपको हैंडब्रेक लीवर मिल जाता है, यू गेट डुअल कप होल्डर्स ओवर हियर, और यहाँ पर आपको ये छोटा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है विच यू कैन ओपन, और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, दिस इज इवन कूल्ड, यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, और डुअल आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाता है। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, यू गेट ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पर यू गेट डुअल माइक्रोफोन रिसीवर, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाता है फॉर द सनरूफ, मैं आपको वो दिखा दूंगा अभी, और यहाँ पर आपको वाइजर में एज यू कैन सी यू गेट अ मिरर अलॉन्ग विद अ लाइट, एंड ओवर हियर यू गेट नो मिरर नो लाइट बट यू गेट अ टिकट होल्डर। अभी सनरूफ के बारे में बात करूँ गाइस, देन एज यू कैन सी यू गेट दिस ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ, सो गाइस सनरूफ का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। सनरूफ अभी मैंने पूरा इसको क्लोज कर दिया है सो दैट आई कैन शो यू हाउ टू ओपन इट। सो यहाँ पर गाइस यू गेट 3 बटन, सो इस बटन को अगर मैं प्रेस करूँ गाइस, इसका पूरा प्रेस करेंगे सो ये वन टच नहीं है, ये आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, सो आपका सन ब्लाइंड जो है वो ओपन हो जाता है, उसके साथ आपका सनरूफ भी ओपन हो जाता है, सो इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी योर सनरूफ इज टोटली ओपनड। अगर आपको इसको फिर से लाना है वापस, सो यू हैव टू प्रेस दिस बटन, सो योर सनरूफ इज क्लोजिंग, और अगर आप ये सनब्लाइंड को अगर आपको वापस लाना है देन यू हैव टू प्रेस दिस बटन, सो ये आपको आपका जो सनब्लाइंड है वो वापस आ जा रहा है। सो दिस इज द मेन कंट्रोल ऑफ द सनरूफ। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस सिस्टम ओवर हियर। नाउ दिस इज एन 8.8 इंच सिस्टम, और एक जो चीज़ इस गाड़ी में नया है, यू गेट एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवर हियर, अभी 106 दिखा रहा है विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो टच रिस्पॉन्स इज रियली गुड, यहाँ पर एज यू कैन सी यू गेट एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले, आपका ब्लूटूथ ऑडियो है, कॉन्टैक्ट्स, साउंड डेमो, थीम्स, बहुत कुछ आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले मैंने आपको बोला, सेटिंग्स आप देख सकते हो, टच रिस्पॉन्स इज रियली गुड, वेरी स्लिक, नॉट अ कंप्लेंट एट ऑल। और अभी तो शायद टाटा विल इम्प्रूव दिस टच स्क्रीन सिस्टम इवन मोर, सो इट विल बिकम इवन मोर स्मूथ। और यहाँ पर यू गेट सेटिंग्स, आपका यहाँ पर AM ये सब का सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर टैप टू कनेक्ट, सो यू कैन कनेक्ट योर फोन, यहाँ पर आपको टाइम दिखाता है, दिस इज़ योर AC का कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिखा देता है, और यहाँ पर आपको AM/FM ये सब जो है उसका कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, आपको होम बटन है। लेट मी शो यू द रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइस, सो आप रिवर्स गियर में आप इसको डालेंगे ऐसे,
सो यहाँ पर आपका पूरा पार्किंग कैमरा का व्यू है। सो रियली गुड क्वालिटी, नॉट अ कंप्लेंट। यहाँ पर आपको तीन मोड मिल जाता है, वाइड, जूम और ये आपका नॉर्मल मोड। सो यू गेट थ्री मोड्स, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पार्किंग में। सो या और आपको ये पार्किंग सेंसर आप ऑफ या ऑन भी कर सकते हो, दैट इज अपॉन यू। दिस इज द एंटरटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, यू गेट अ पार्शियली डिजिटल एंड पार्शियल एनालॉग सिस्टम। ये आपका स्पीडोमीटर है और ये आपका 6000 तक आपका ओडोमीटर आपको दिखा रहा है। ये आपका अभी सिटी मोड में है, यहाँ पर आपका फ्यूल लेवल दिखाता है, दिस इज योर टेम्परेचर लेवल, और यहाँ पर आपका ओडो रीडिंग दिखा रहा है, दीज आर योर टेल टेल लाइट्स। यहाँ पर आपका आउटसाइड टेम्परेचर एंड दिस इज योर टाइम, और ये आपका फ्यूल लेवल यहाँ पर है। सो ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है, दिस यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। सो इस बटन के साथ आप कंट्रोल कर सकते हो। सो इफ आई स्क्रॉल, अभी ये सेटिंग्स है, देन दिस इज योर पावर एंड टॉर्क रियल टाइम में आपको दिखा रहा है। ट्रिप बी का आपको यहाँ पर ओडो रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एवरेज कितना है वो दिखा रहा है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है, ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है। ये आपका ट्रिप ए का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इफ आई स्क्रॉल दिस अगेन, ये आपका एवरेज कितना दिखा रहा है रियल टाइम में वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, एंड दिस इज योर डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब रेंज कितना है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये आपका तो स्पीडोमीटर है जैसे कि मैंने आपको बोला। सो दिस इज अ वेरी गुड यूनिट गाइस, रियली कलरफुल एंड रियली रियली इन्फॉर्मेटिव। अभी मैं आपको ड्राइविंग मोड्स दिखा देता हूँ। सो एज आई सेड गाइस, यू गेट अ लॉट ऑफ ड्राइविंग मोड्स ओवर हियर। अभी ये सिटी मोड में है, सो इफ आई टर्न दिस हियर, देन ये आपका वेट मोड में चला गया, एंड इफ आई टर्न दिस नॉब अगेन, देन ये आपका रफ सरफेस में आपका चला जाएगा। रिमेंबर गाइज, दिस इज नॉट अ फोर व्हील ड्राइव कार, ये आपका मोनोकॉक शैशी है, ये लैडर फ्रेम नहीं है। सो ज्यादा आप ऑफ रोड इस गाड़ी के साथ नहीं कर सकते हो, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, सो कीप दैट इन माइंड। अभी स्पोर्ट्स मोड में जाने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस बटन। सो अभी स्पोर्ट मोड में गाड़ी चला गया, एंड अगर आपको इको मोड में जाना है, सो इफ आई प्रेस इको, देन इको मोड में गाड़ी चला गया। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंट सीट का कम्फर्ट, द फ्रंट सीट्स आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल गाइज, और वेंटिलेटेड सीट्स है, तो गर्मी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडर थाई सपोर्ट इज रियली गुड। यहाँ पर विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, देन द मिरर्स आर वेरी वेरी वाइड, सो पीछे आप आराम से देख सकते हो। वहाँ पर भी विजिबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप वहाँ से आराम से पीछे देख सकते हो। पीछे का भी विजिबिलिटी, एज यू कैन सी दिस मिरर इज रियली वाइड, सो आप पीछे आराम से एकदम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो चीज़ है, वेरी गुड थिंग अबाउट द हैरियर इज दिस, आपका फ्रंट का बोनेट आप पूरा देख सकते हो। सो दिस गिव्स इट अ रियली मतलब एसयूवी लाइक फील ऑन द रोड। ग्लास एरिया भी बहुत है गाइस, ग्लास एरिया इज रियली रियली बिग, सो आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड दिस कार फील्स रियली रियली एरी एट द फ्रंट ऑल्सो। स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द स्टीयरिंग इज फिनिश्ड इन लेदर, स्टिचिंग इज रियली रियली गुड, नॉट अ कंप्लेंट एट ऑल। यहाँ पर आपको एयरबैग का सिंबल मिल जाता है, यू गेट ऑब्वियसली फ्रंट एयरबैग्स इन दिस कार। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाता है, दीज आर योर बटन्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज योर वॉल्यूम, ये आपका चैनल ये सब चेंज करने के लिए। यहाँ पर आप बटन्स है थोड़ा आपका कॉल डिक्लाइन और कॉल रिसीव करने के लिए, ये आपका म्यूट स्विच है, इससे आप म्यूट ये सब कर सकते हो। यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है, ये बटन तो मैंने आपको दिखाया इसको स्क्रॉल करने के लिए, और यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है क्रूज कंट्रोल के लिए। यहाँ पर स्टॉक्स अगर हम लोग देखेंगे, दीज आर योर वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाता है फॉर योर हेडलाइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो हेडलाइट है यहाँ पर, सो हेडलाइट एज यू कैन सी यहाँ पर डिपर है ये, सो हेडलाइट कंट्रोल्स आर रियली गुड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज योर हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस, सो यहाँ पर आपको हेडलैम्प का लेवलिंग डिवाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मैंने बहुत ही कम गाड़ी में इस यहाँ पर मैंने देखा है, ज़्यादातर यहाँ पर रहता है। सो दिस इज द इंटीरियर रिव्यू ऑफ द टाटा हैरियर एग्जेट प्लस काजीरंगा एडिशन। अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा इंटीरियर रिव्यू, एंड डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, इट विल रियली हेल्प द वीडियो अ लॉट। एंड या गाइज, दैट वॉज माई इंटीरियर रिव्यू ऑफ द टाटा हैरियर एग्जेट प्लस काजीरंगा एडिशन। सो गाइज, दैट वॉज माई रिव्यू फॉर टुडे ऑन द टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक विच इज द थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल रियली हेल्प दिस चैनल अ लॉट। एंड ऑब्वियसली गाइज, शेयर दिस वीडियो बिकॉज आई रियली लाइक दिस शेड ऑफ द टाटा हैरियर, लुक्स रियली रियली डोप दिस कलर स्कीम। और या गाइज, इफ एनी वन इन योर फैमिली इज इंटरेस्टेड और इन योर फ्रेंड्स इंटरेस्टेड टू बाई दिस कार, देन आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस शोरूम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन कम हियर एंड चेक आउट दिस कार, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन इवन बुक दिस कार। So yeah guys, that was my review for today. I will surely see you in my next one. Till then, ciao.